यूपीएससी आज भारत का टफेस्ट एग्जाम है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने ओझा सर का नाम तो जरूर सुना होगा। ओझा सर के काफी सारे स्टूडेंट्स आज आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम ओझा सर की लाइफ स्टोरी जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में, जहाँ ओझा सर का जन्म हुआ। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। इनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इनकी माताजी एडवोकेट लॉयर है। ओझा सर बचपन से ही पढ़ाई में एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई फातिमा हाई स्कूल से पूरा किया। ओझा सर बचपन से ही एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, जिसकी प्रिपरेशन के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सके। उनके पिता ने अपना एक घर बेचकर उन्हें दिल्ली पढ़ने भेजा। दिल्ली आने के बाद ओझा सर दिन रात यूपीएससी की पढ़ाई में लग गए, मगर ओझा सर अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी मेंस नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से ओझा सर काफ़ी उदास रहने लगे। लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ओझा सर एक बार में वेटर का काम करने लगे। इसके बाद उनके एक दोस्त जो इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उनसे उन्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफर आया, और ओझा सर उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चले गए। पहले दिन जब ओझा सर वहाँ पढ़ाने गए, तब वहाँ के आधे बच्चों ने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, क्योंकि ओझा सर बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते थे। फिर उन्हें समझ आया कि पढ़ाते कैसे हैं, और ओझा सर बच्चों को पढ़ने का तरीका और उनकी गलतियाँ बताने लगे। इसके बाद ओझा सर ने बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, जैसे कि बाजीराम आईएएस एकेडमी, चाणक्य आईएएस एकेडमी, और फिर आगे चलकर उन्होंने मंजारी ओझा से शादी कर ली, जिससे उन्हें तीन बेटी हुई, जिनका नाम पीहू, बुलबुल और गुनगुन है। ओझा सर के YouTube चैनल का नाम रे अवध ओझा है, जिस पर आज 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, ओझा सर अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से आज पूरे भारत में मशहूर है।